नमस्कार दोस्तों, टोटके मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उन महिलाओं के लिए है जिनके पति उनको मारते पीटते हैं या उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। वह किसी पराई स्त्री के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वह पराई स्त्री आपके पति का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ पा रही, या आपका पति आपसे दूर चला गया है, वह आपको ब्लॉक कर चुका है। तो आप यह छोटा सा टोटका उपाय करने से आप अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। सिर्फ एक रोटी के ऊपर 5 बूंद ये गिरा देना, बस समझ लेना कि आपका पति आपके वश में हो जाएगा। इसको करना क्या है और कैसे करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रोटी के ऊपर सिर्फ 5 बूंद आपको डालनी है। रोटी चाहे रात की हो, चाहे सुबह की हो, चाहे ताजी रोटी हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको किसी भी टाइम पर या 12 बजे दिन में या आपको रात को 12 बजे की रात को यह कार्य करना है। आपको अपने पति का रोटी को अपने हाथ में पकड़कर अपने पति का ध्यान करना है और ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल अपने हथेली में रख लेना है। उसके बावजूद उसके ऊपर 5 बूंद अपने पति का ध्यान करते हुए गेर देना। जब यह हो जाए उसके बाद में इस रोटी को आप किसी भी पूजा स्थान के ऊपर रख देना सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद में इस रोटी के ऊपर थोड़ी सी मात्रा के अंदर चीनी रख दें, यानी शक्कर रख दें, और इसको अपनी घर की छत के ऊपर रख दें, जिससे क्या है कि काले कौए आकर खा लें। यदि आपकी छत पर काले कौए ना आते हों तो इसको जहां पर भी हो बाहर जाकर काले कौए के पास में इसको रोटी को डाल दें टुकड़ों टुकड़ों में। जब यह आप कार्य कर घर पर आएंगे, इसी प्रकार से आपको जिस दिन भी यह कार्य करेंगे 3 हफ्ते लगातार आपको यह उपाय करना है। यह करने के बाद में आपका पति आपके वश में हो जाएगा। जिस औरत के जंजाल में आपका पति फंसा हुआ है, उस जंजाल से आपका पति हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही महाशक्तिशाली टोटका है और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।